वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अपनी खुशी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा इस रमज़ान। और तो जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो हम लोगों ने फैसला ये किया कि इस रमज़ान में व्लॉग्स तो आपको देने ही, तो हम लोग मज़ार की सीरीज़ देते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज का पहला व्लॉग शूट किया है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का। तो उसके कुछ शॉर्ट लिए हैं, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अभी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। यहाँ गहमी आज संडे का दिन है, तो अक्सर और बेशतर लोग जो हैं संडे को यहाँ पे जो है ज़्यारतों के लिए आते हैं। तो अब हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ से आपको आगे के मनासिब दिखाते हैं, ऊपर दरबार की तरफ चलते हैं। बस तो ये है इसका एंट्रेंस एरिया, और ये फूलों की दुकानें दिख रही हैं आपको पीछे। ये लंगर खाना है, यहाँ पे लोग देखे वो करते हैं। और यहाँ से जो है हम एंट्री करते हैं, चेकिंग होती है, और यहाँ से फिर मज़ार के आते में दाखिल होते हैं। जी बस तो ये जब हम गेट से अंदर आते हैं तो चप्पल उतारनी पड़ती है, यहाँ पर चप्पल उतार के दरबार पे जाते हैं। यहाँ चप्पल उतारने के चार्जेस हैं 10 रुपये फी जोड़ी। जी बस तो ये है यहाँ का लंगर खाना। यहाँ पे बेसिकली 3 लंगर खाने हैं, एक एंट्रेंस गेट पर है, एक यहाँ पर है नीचे की तरफ, और एक पीछे बैक साइड पर है, वहाँ से भी लंगर खाना है। और ये मज़ार जो है काफ़ी बड़े रकबे पर बना हुआ है, मेराज इस मज़ार के अंदर जो है काफ़ी सारी जगहें, मस्जिद है, और बहुत सारे अहम शख्सियात हैं वो भी जो है इसके अंदर ही उनकी तदफीन हुई है। तो अभी वो भी हम आपको दिखाते हैं। Yes।
तो देख रहे हैं कि जब लोग आए मज़ार के ऊपर वाले आते में, तो वहाँ से ये नीचे का व्यू देखें, ये एक और लंगर खाना है जो तीसरा लंगर खाना है यहाँ का। बेसिकली ये जो लंगर खाना है ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो बेनज़ीर जो पीपल्स पार्टी की फाउंडर है उनके उसको मंसूब किया हुआ है। और ये लंगर खाना जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर है। तो ये लंगर खाना भी दिन रात चलता है और हमेशा इधर भूखों को खाना खिलाया जाए। तो अब यहाँ पे घूम रहे हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यारतें हमने की हैं जो भी आपको पीछे दिखाई भी हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये मस्जिद भी है, मज़ार के बिल्कुल आते में ही बनी हुई है। और मस्जिद के अगर आप बैक पर देखें जो ये बैरी आइकन टावर है, ये इन्होंने ही इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन करवाई है और इसका जो भी सारा वो है सब बैरी आइकन वालों ने इसका किया। तो मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे नमाज के लिए, यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करके जो है दरबार की तरफ हाजियाँ दे के फिर अपनी पढ़ते हैं। और हर अकीदे से लोग जो है यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मनाते हैं। सारी चीज़ें आता दिखाया, यानी मस्जिद दिखाई और भी आपको चीज़ें हैं, लंगर खाना दिखाया। अभी यहाँ से अब जाते हैं मेन दरबार के लिए ऊपर और वहाँ आपको जो है हज़रत साहब की जो मेन है कब्र वहाँ पे लेके चलते हैं। दिखाया हमने के ऊपर दरबार की तरफ आ चुके हैं, जो हज़रत अब्दुल्ला शहज़ादी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है वहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं। नीचे आपको लंगर खाना दिखाया, मस्जिद दिखाई, मज़ार का अहाता दिखाया और अब ऊपर आ चुके हैं। और अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैमरे को लेके जो है ना थोड़ी सी सख्ती है कि इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बस यहाँ पे अब ज़्यादा कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो शूट से बस वो दिखा के उसको यहाँ से पैकअप करेंगे। अब चलते हैं हज़रत साहब की कवर में। जी तो देख रहे हैं
जी तो ये अभी यहाँ पे जो है ये चश्मा गाह का रास्ता है जहाँ हजरत साहब चिल्ला किया करते थे, ये वहाँ का रास्ता है। अभी नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे जो है मीठे पानी का चश्मा है, और ये एक आपकी करामत थी जो, क्योंकि ये जो एरिया है ये समंदर का है और यहाँ पे टोटली खारा पानी है, लेकिन आपकी करामत ये थी कि आपके तवस्सु से यहाँ पे जो है मीठे पानी का एक चश्मा फूटा जो आज तक जारी और सारी है। और ये नीचे वाला जो रास्ता है ये चश्मे की तरफ ही जा रहा है और हजरत साहब की चिल्ला गाह की तरफ जा रहा है। जी तो ये रास्ता जो है ये रास्ता जाता है चश्मा गाह और चिल्ला गाह की तरफ। ये सीढ़ियों से हम नीचे आते हैं तो सीधे हाथ पे हमारे जो है हजरत साहब का चिल्ला गाह है जहाँ वो बैठ के अपनी इबादत किया करते थे। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी, ये ज़ेर इस्तेमाल जो उनकी चीज़ें थी वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो ये जो है ये है चश्मा मुबारक जो हज़रत साहब की करामतों में से एक करामत है। ये सारा मीठा पानी है, यह है चश्मा मुबारक, चश्मे का पानी है। और ये जो भी यहाँ पे आते हैं बड़ा मुकद्दस है और इसको यहाँ पे आके तो पीते हैं, काफ़ी लोग शिफायाब भी होते हैं ये पानी पी के। चिल्ला गाह दिखाई, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उनका दरबार दिखाया, मस्जिद दिखाई, इस मज़ार के अहाता दिखाया। ये बैक साइड है मज़ार की जहाँ पे जो है चिल्ला गाह है, और हज़रत साहब का जो करामत तो में से करामत है कि यहाँ पे मीठे पानी का चश्मा है। हालांकि आपको पता है ये सी व्यू का जो इलाका है ये सारा का सारा समंदरी इलाका है, यहाँ पर मीठा पानी नहीं है, लेकिन ये हज़रत साहब की करामतों में से करामत है कि यहाँ पे आपके तवस्सुस से जो है मीठे पानी का चश्मा निकला, और आज तक वो पानी का चश्मा जो है वो जारी और सारी है, और उससे लोग काफ़ी लोग फैज़याब होते हैं, शफायाब होते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग उस पानी को बतौर शफा के तौर पे ले जाते हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरे करने के लिए जो है लंगर के साथ साथ चीज़ों को भी गोश्त की तकसीम करते हैं। ये सामने जो है ये स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे ये चीज़ों का हम पे हमला हो चुका है। जी विवास को देख रहे हैं कि
अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के दरबार पे आज हम लोग आए हुए थे। आपको यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाई, लंगर खाना दिखाया, चश्मा गाह दिखाया, चिल्ला गाह दिखाई हज़रत साहब की, मस्जिद, लंगर खाना और बहुत सारी अहम शख्सियात की कबूर हैं यहाँ पे, जैसे कि उमर शरीफ साहब हैं, आमिर लियाकत साहब हैं और बहुत सारे सामाजिक और सियासी शख्सियात की कब्रें भी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा हमारा ये ब्लॉग भी। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, हम लोग जो है आजकल ये मज़ारों की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो अभी इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई और मज़ार की तरफ हम जाएंगे। जैसे जब तक ये रमज़ान के ब्लॉग्स हमारे चलेंगे, तो आई होप कि आपको ये हमारा ब्लॉग भी पसंद आएगा। हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हमें आगे भी सजेस्ट कीजिएगा कि हम और किस मज़ार की तरफ जाएं या किस इस्लामिक उसकी तरफ जाएं, रिलीजियस के चीज़ें हैं या कुछ सा ऐसा ब्लॉग बनाएं, तो हमें लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।